नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु वर्मा, स्वागत है आप सबका। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने देखा कि किस तरह एक फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर पोलराइज होता है, और जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो भी कर देते हैं तब भी वो मटेरियल कुछ पोलराइजेशन शो करता है। तो इसका मतलब है कि हमने जितनी पावर उस मटेरियल को पोलराइज करने में लगाई थी, पावर सोर्स रिमूव करने पर वो मटेरियल उतनी पावर डिलीवर नहीं कर सका। इसका मतलब कुछ पावर का लॉस हुआ है। और कोई मटेरियल जितना ज्यादा अपने अंदर स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन को रखेगा, उतना ही ज्यादा हिस्टेरेसिस एरिया होगा और उतना ही ज्यादा पावर लॉस होगा। तो हम कह सकते हैं कि हिस्टेरेसिस कर्व एक तरह से लॉस को रिप्रेजेंट करती है, और जितना ज्यादा हिस्टेरेसिस कर्व का एरिया होगा उतना ही ज्यादा लॉस होगा। और हिस्टेरेसिस कर्व का बनने का कारण है जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई की है उसका एसी नेचर का होना, क्योंकि अगर अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड एक कॉन्स्टेंट वैल्यू की है तब तो हिस्टेरेसिस एरिया बनेगा ही नहीं, क्योंकि एक कॉन्स्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमेशा एक कॉन्स्टेंट पोलराइजेशन रहेगा। और यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात यह भी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की एक एसी साइकिल के लिए एक बार हिस्टेरेसिस कर्व बनती है, और जब दूसरी साइकिल आएगी तो वही हिस्टेरेसिस कर्व रिपीट होगी। तो एक कांस्टेंट टाइम में इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर ज्यादा साइकिल्स आएंगी तो लॉस ज्यादा होगा, और अगर कम साइकिल्स होंगी तो लॉस भी कम होगा। इन अदर वर्ड्स, हम कह सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो हिस्टेरेसिस लॉस भी ज्यादा होगा। इसका मतलब है हिस्टेरेसिस लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द फील्ड। यहाँ हम प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाकर एक कॉन्स्टेंट K1 यूज कर सकते हैं। तो मान लीजिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड F1 फ्रीक्वेंसी की है तो W1 पावर लॉस हो रहा है, तो उस केस में W1 विल बी इक्वल टू K1 into F1। अब अगर मान लीजिए हम फ्रीक्वेंसी को F1 से F2 कर देते हैं और पावर लॉस W1 से W2 हो जाता है, then W2 will be equal to K1 into F2। यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट चेंज नहीं होगा क्योंकि हमने मटेरियल को चेंज नहीं किया है। यहाँ अब अगर हम 2 को 1 से डिवाइड कर दें, then W2 divided by W1 is equal to F2 upon F1, और यहाँ से आ जाएगा W2 is equal to F2 by F1 into W1। इसे थोड़ा और अरेंज करके लिखें तो W2 is equal to W1 upon F1 into में F2। यहाँ W1 upon F1 को हम बोल सकते हैं पावर लॉस पर यूनिट फ्रीक्वेंसी। तो इस तरह से हम किसी भी फ्रीक्वेंसी के लिए पावर लॉस निकाल सकते हैं। आपको जस्ट पावर लॉस पर यूनिट फ्रीक्वेंसी को डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी जिस पर हम पावर लॉस निकालना चाहते हैं उससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक फेरोइलेक्ट्रिक मटेरियल की इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी किस तरह से वेरी करती है। इस तरह के डेरिवेशन हम जब डिफरेंट टाइप्स के पोलराइजेशन स्टडी कर रहे थे उस टाइम भी कर चुके हैं। हम इन तीन रिलेशन से काफी अच्छे से वाकिफ हैं। ये रिलेशन हैं P इज इक्वल टू N अल्फा ई इंटरनल, हमें पता है जहां अल्फा आएगा उसके साथ ई इंटरनल आएगा। दूसरा है P इज इक्वल टू एप्साइलन नोट इंटू जाई ई इंटू ई एक्सटर्नल, हमें पता है जहां पे जाई ई आएगा वहां पर ई एक्सटर्नल आएगा। और थर्ड रिलेशन हमें ई इंटरनल और ई एक्सटर्नल के बीच में रिलेशन बताता है। और फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स के लिए हम अज्यूम करते हैं कि गामा जीरो के इक्वल नहीं है। तो अब हम सेम वही बेसिक स्टेप्स फॉलो करते हैं। सबसे पहले हम P इज इक्वल टू N अल्फा इंटू ई इंटरनल, यहाँ हम ई इंटरनल की जगह पर इस वैल्यू को पुट कर देंगे, और यहाँ से P को कॉमन लेके P और ई एक्सटर्नल में एक रिलेशन इस्टेब्लिश कर लेंगे। अब यहाँ पर एक नई बात यह है कि फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स में स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन होता है, मींस जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है तब भी पोलराइजेशन की कुछ वैल्यू एग्जिस्ट करती है। तो इस रिलेशन में ई एक्सटर्नल जीरो होने पर पी की कुछ वैल्यू होनी चाहिए, और ऐसा केवल तभी पॉसिबल है जब डिनोमिनेटर जीरो हो जाए, क्योंकि उस केस में ई एक्सटर्नल जीरो है और डिनोमिनेटर भी जीरो अगर हो गया तो ये 0/0 फॉर्म बन जाएगी, और वो लिमिटिंग केस में कुछ वैल्यू देगी जो कि स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन की वैल्यू होगी। तो अगर हम डिनोमिनेटर को जीरो पुट कर दें तो हमें मिलता है एन अल्फा गामा अपॉन एप्साइलन नोट इज इक्वल टू 1। सो दिस इज द कंडीशन फॉर स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन। अब हम दोबारा से अपने पुराने बेसिक स्टेप्स पर आते हैं। जैसा कि हमें पी और ई एक्सटर्नल में एक रिलेशन ड्राइव हुआ है, इस रिलेशन को अगर हम इस रिलेशन से कंपेयर करें पी इज इक्वल टू एप्साइलन नोट जाई ई इंटू ई एक्सटर्नल, तो हम देखते हैं जाई ई इक्वल हो जाएगा
दिस क्वांटिटी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट मींस जाई ई इक्वल टू एन अल्फा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय 1 माइनस एन अल्फा गामा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि फेरोइलेक्ट्रिक मटेरियल्स के केस में जाई ई सी अपॉन टी माइनस थीटा की फॉर्म में होता है। यहाँ पर सी को क्यूरी कॉन्स्टेंट बोलते हैं और थीटा को क्यूरी टेम्परेचर बोलते हैं। तो जाई ई के इस एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में लाने के लिए सबसे पहले तो यहाँ 1 की जगह पर कैपिटल टी होना चाहिए। तो इसलिए इस एक्सप्रेशन को हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में टी से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब अगर हम इन दोनों एक्सप्रेशन को कंपेयर करते हैं तो सी इक्वल टू है एन अल्फा टी अपॉन एप्सिलॉन नॉट और थीटा इक्वल टू है एन अल्फा टी अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू गामा मींस सी इनटू गामा। तो अब हम इस फॉर्मेट को याद कर लेते हैं। पी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट जाई ई इनटू ई एक्सटर्नल होता है, जाई ई की जगह पर सी अपॉन टी माइनस थीटा आ जाएगा, जहां पर सी की वैल्यू है एन अल्फा टी अपॉन एप्सिलॉन नॉट और थीटा की वैल्यू है सी इनटू गामा। अब यहां पर हम एक पैरामीटर की वैल्यू और पुट कर सकते हैं और वो है अल्फा। अल्फा मींस पोलराइजेबिलिटी। और जैसा कि हमें पता है फेरोइलेक्ट्रिक मटेरियल्स के केस में परमानेंट डायपोल एग्जिस्ट करते हैं और परमानेंट डायपोल रखने वाले मटेरियल्स में जनरली ओरिएंटेशनल पोलराइजेशन पाया जाता है और ओरिएंटेशनल पोलराइजेशन पाए जाने वाले मटेरियल्स में पोलराइजेबिलिटी इक्वल टू होती है पीपी स्क्वायर अपॉन 3kT। यहां पर पीपी है द वैल्यू ऑफ परमानेंट डायपोल मोमेंट। तो इस तरह से अगर हम अल्फा की वैल्यू पीपी स्क्वायर अपॉन 3kT पुट कर दें तो सी की वैल्यू बन जाएगी एन पीपी स्क्वायर अपॉन 3kT इनटू टी अपॉन एप्सिलॉन नॉट और जहां टी से टी कैंसिल होने पर सी इक्वल टू होगा एन पीपी स्क्वायर अपॉन 3k एप्सिलॉन नॉट और थीटा इक्वल टू होगा जो सी की वैल्यू है वो इनटू में गामा। तो इस तरह से पी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू जाई ई इनटू ई एक्सटर्नल वेयर जाई ई इज इक्वल टू सी अपॉन टी माइनस थीटा वेयर सी इज इक्वल टू एन अल्फा टी अपॉन में एप्सिलॉन नॉट एंड थीटा इज इक्वल टू सी गामा एंड अल्फा इज इक्वल टू पीपी स्क्वायर अपॉन में 3kT। तो इस तरह से आप इस पूरी चेन को याद कर लीजिए। यहां जो ये एक्सप्रेशन है p इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू c अपॉन t माइनस थीटा इनटू e एक्सटर्नल, इस एक्सप्रेशन को बोलते हैं क्यूरी-वेस लॉ। जाई इज इक्वल टू c अपॉन t माइनस थीटा। ये रिलेशन फेरोइलेक्ट्रिक मटेरियल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां अगर हम ध्यान से देखें तो थीटा की वैल्यू है n pp स्क्वायर गामा अपॉन में 3k एप्सिलॉन नॉट। यहां थीटा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा ये डिपेंड करेगा गामा पर और फेरोइलेक्ट्रिक मटेरियल्स के लिए गामा की वैल्यू पॉजिटिव होती है और ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है। तो ये दो कंडीशन सिर्फ तभी सेटिस्फाई हो सकती हैं जब c अपॉन t माइनस थीटा पॉजिटिव हो। और c अपॉन t माइनस थीटा पॉजिटिव कब होगा? जब t ग्रेटर देन थीटा होगा। मींस जाई इक्वल टू सी अपॉन टी माइनस थीटा, ये रिलेशन सिर्फ t ग्रेटर देन थीटा यानी कि t ग्रेटर देन क्यूरी टेम्परेचर के लिए वैलिड है। तो इस रिलेशन से हम देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ेगी जाई की वैल्यू कम होगी बिकॉज जाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम जाई और टी में ग्राफिकल रिलेशन को देखेंगे और एक न्यू टाइप एंटी फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स को स्टडी करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।